सतह समंदर से 10,000 फुट बुलंद और बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिलों के दामन में जिला कोलेपालस कोहिस्तान की मुड़ो वेली एक ऐसा ही मुकाम है जो कुदरत की फयाजी का शाहकार है। ये खित्ता जंगली हयात का मस्कन और नायाब घने जंगलात की वजह से नाकाबले फरामोश समझा जाता है। सफर में कुदरत के कमालात तवज्जो तलब दिखाई देते हैं, रास्ते में आने वाली हर जगह रुकने पर मजबूर करती है। मुड़ो वैली के रास्ते में चारों इतराफ बुलंदोबाला कीमती दरख्तों का जंगल जन्नत के बागात का अक्स मालूम होता है। मुड़ो वैली की थका देने वाली चढ़ाई, रास्ते की दुश्वारी और मौसम से नब्र्द आजमा होते हुए जब सामने एक वसी दिलफरेब मैदान आया तो जैसे आंखें झपकना भूल गयी। फलक शगाफ पहाड़ों के दामन में सब्जे से भरा एक दिलनशी मैदान जिसका हुसन देखने वालों को अपनी तरफ रागिब कर देता है। मुड़ो वैली पहुंचने पर मालूम हुआ यहां रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मेला अपने उरूज पर है। जिला कोलेपालस वजूद में आने के बाद जिले इंतजामिया की जानिब से ये पहला फेस्टिवल का इनकार किया गया है जो हमेशा तारीख के औराक में याद रखा जाएगा। इस फेस्टिवल के जरिए इलाके की मुनफरिद सकाफत को भी उजागर किया जा रहा है। आज फेस्टिवल अपनी रंगीनियां समेटते हुए इख्तिताम को जा पहुंचा है। फेस्टिवल में खेले जाने वाले तमाम खेलों के फाइनल दिलजमी के साथ जारी और सारी है। मुड़ो फेस्टिवल के मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोलेपालस सैयद अकरम शाह और तहसील चेयरमैन पालस मौलाना मोहम्मद अकरम और दीगर अफसरान के हमरा मुड़ो वैली पहुंचने पर मुकामी लोगों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोलेपालस सैयद अकरम शाह ने बाल को हिट लगाते हुए फेस्टिवल का आगाज किया और तहसील चेयरमैन पालस मौलाना मोहम्मद अकरम और दीगर अफसरान भी हमरा थे। तहसील चेयरमैन पालस मौलाना मोहम्मद अकरम ने अफसरान को कोहिस्तान की रिवायती टोपियां पहनाई और फेस्टिवल में शिरकत करने वाले तमाम अफसरान का शुक्रिया अदा किया। एडीसी अकरम शाह साहब, डीएसपी थाना कोलेपालस मसूद साहब, नौजवानों के दिलों की धड़कन स्पोर्ट ऑफिसर जहूर साहब, यूथ ऑफिसर तौकीर साहब, उशर ज़कात के चेयरमैन जनाब रशीद अहमद कमाल साहब, सबका नाम लेना मुश्किल है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये बज़्म में है जाम जम नहीं, ये बज़्म में है जाम जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। मैं यहाँ के जो इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, मुड़ो वैली के जो बैक में रहने वाले, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि ज़िली इंतज़ामिया के साथ उनका भरपूर तआवुन रहा। तारीख में पहली मरतबा मुड़ो वैली के अंदर एक ज़बरदस्त सपोर्ट का प्रोग्राम मुनक़द किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोच से भी बढ़ चढ़ कर वो कामयाब रहा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोलेपालस सैयद अकरम शाह ने अहलियाने मुड़ो की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और जंगलात की अहमियत पर रोशनी डाली। रहीम मौलाना मोहम्मद अकरम साहब, जका चेयरमैन साहब, अताउल्ला साहब स्टेज पे बैठे, मेरे साथ मेरी टीम का हिस्सा जिली ऑफिसर साहिबान, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और नौजवानों, मीडिया के साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं कि मेरे डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो बोझ मेरे कंधे पे मोड़ो फेस्टिवल का डाला था, अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व आफियत इख्तिताम को पहुंच गया है। मैं अपने साथ आने वाले तमाम जिली ऑफिसर्स का मशकूर हूं कि इस दूर दराज पहाड़ी इलाके में पैदल सफर करके वो यहाँ आए, बारिश की सख्तियों में भी
वो मेरे साथ यहाँ 3 दिन मौजूद रहे। इसके अलावा चेयरमैन पालस का भी मशकूर हूँ, जिन्होंने इस फेस्टिवल की कामयाबी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। डॉक्टर नूर कदीम साहब और उसकी टीम का भी मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए यहाँ आए और सैकड़ों मरीजों का मुफ्त इलाज किया। अब्दुर्रहमान, इस मौके पे अगर मैं अब्दुर्रहमान का जिक्र ना करूं तो बहुत जुल्म होगा, ज्यादती होगी। ये सारी जो इधर गेम हुई तो अब्दुर्रहमान, जो हमारा अब्दुर्रहमान मुगल है, उसकी मेहनत की वजह से पाए तकमील तक पहुंची हैं। इस मौके पर मैं यहाँ के जो बेगों में हमारे बुजुर्गान हैं जो यहाँ रह रहे हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिले में बाहर अजला के जिस तरह आपने देखा मर्दान, सवाबी, हरिपुर, एबटाबाद, मानसेरा, पिशावर, चारसद्दा, अटक, रावलपिंडी, शांगला, पटाग्राम, अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, वहां से मेहमान आए, लेकिन हमें उन्होंने बिल्कुल कोई फिक्र नहीं करने दी। हमारे मेहमानों को अपने घरों में, अपने हुजरों में जगह दी और इनकी मेहमान नवाजी की। यहाँ के नौजवानों का, बुजुर्गों का बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी इज्तिमा जब होता है, जब ज्यादा लोग जमा होते हैं तो ऊंच नीच होती रहती है। दो भाइयों के दरमियान घरों में भी ऊंच नीच होती रहती है। हमसे भी कोई सख्त बात हुई होगी, आपकी तरफ से भी सख्त बात हुई होगी, लेकिन हमारे नौजवानों और हमारे बुजुर्गों ने जो किरदार अदा किया, मैं उनको इस पर खराज तहसीन पेश करता हूं कि हमारे जिले में 4-5 वादियां, लेदी जिले के बलीजा, गंजा, ये मोड़ो, चोड़ वैली, ये 4-5 बड़ी वैलियां हैं जो अल्लाह के फजल से हम दावे के साथ कहते हैं कि इस जैसी हसीन खूबसूरत वादियां पूरे सूबे में, क्या पूरे पाकिस्तान में नहीं है। बदकिस्मती से उन तक रसाई न होने की वजह से अब तक ये वादियां जो हैं, ये पाकिस्तान के दूसरे जो हमारे भाई हैं उनकी आंखों से ओझल है। खूबसूरत वादियां हैं, जंगलों की कटाई, खुदा ना कसम से मैं आपको सच बताता हूँ कि अगर मोड़ों में लोग आए तो मुझे क्या फायदा और ना आए तो मुझे क्या तकलीफ है। जो सोच रहे हैं हम और जितने बड़े बैठे हैं, ये जो बच्चे बैठे हैं ना, ये इनका मुस्तकबिल है, ये कल हमारा ये मुस्तकबिल है। इनके लिए हम कम से कम एक अच्छा खूबसूरत इलाका को छोड़ के जाएं, तो इसकी हिफाजत, इन जंगलात की हिफाजत करना, ये हमारा आपका सबका फर्ज है। वसीओ अरीज मोड़ो मैदान शायकीन से खचा खच भरा था, जहां घुड़सवारी, खुशियों, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल के मुकाबले दम खम से जारी थे। क्रिकेट के खिलाड़ियों ने मैदान में जीत के लिए सर धड़ की बाजी लगाई। क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल कमाल फाइटर अपने नाम करने में कामयाब रही। वॉलीबॉल के फाइनल मैच में शराकोट क्लब ने अपना लोहा मनवाया। फुटबॉल का फाइनल भी कमाल क्लब गाजियाबाद के हिस्से में आया। कोहिस्तान का मुनफरिद और सकाफती खेल, खुशियों के पहलवानों ने अपनी ताकत का मुजाहरा दिखाया। बेहतरीन खेल पेश करने पर तीनों टीमों की हौसला अफजाई की गई। घोड़सवारों ने अपने मस्त घोड़ों के जरिए घोड़सवारी के खूब करतब दिखाए। घोड़सवारी का सहरा जहांगीर खान के सर सजा। फेस्टिवल की फतेहयाब टीमों और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को महकमे स्पोर्ट और जिली इंतजामिया की जानिब से ट्रॉफियां और नगद इनाम दिए गए। फेस्टिवल में शरीक शुरका हर एक लम्हे से लुत्फंदोज होते रहे। मैं मर्दान से ताल्लुक रखता हूं और मेरा नाम अब्दुल मजीद है। मैं यहां पर आया हूं फेस्टिवल के लिए, तो इलाका इंतहाई खूबसूरत है, क्योंकि हम तो शहर में रहते हैं तो शहर की जो वहाँ पर मसनूआई खूबसूरती होती है, लेकिन यहाँ पर कुदरती खूबसूरती है, इंतहाई ज़्यादा खूबसूरती है। और अल्लाह से उम्मीद भी है और अल्लाह से दुआ भी है कि इस फेस्टिवल को कामयाब करें। फेस्टिवल में मुझे दो चीज़ें बहुत जो है अजीब लगी, एक घुड़सवारी और दूसरा वो केसोए, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो बहुत ज़बरदस्त गेम है, ये दोनों तो बहुत यूनिक लगी मुझे। इस फेस्टिवल के इनेकाद से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है इस इलाके को।
سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ اس علاقے میں شعور پیدا ہوا ہے کہ ہم نے خود آئندہ ایسے ایونٹس رکھ کر اس علاقے کو پروموٹ کرنا ہے، لوگوں کی معاشی حالت اس سے بہتر ہوگی۔ اس کا کریڈٹ جناب اکرم شاہ صاحب کو جاتا ہے، ضلع انتظامیہ کو جاتا ہے، کہ سب سے پہلے انہوں نے کوہستان کی تاریخ میں، پالس کی تاریخ میں پہلا جو شعور عوام میں پیدا ہوا ہے یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ ہم خود بھی انشاءاللہ آرگنائز کریں گے اور اس علاقے کو پروموٹ کرنے میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ تحصیل چیئرمین پٹن لوئر کوہستان مولانا رحمت اللہ اور ان کے ہمراہ علماء کا وفد مڑو فیسٹیول سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ ماشاءاللہ اس وادی کے اندر جب ہم پہنچے تو مڑو وادی ایک واقعی کہا جائے تو یہ ایک حقیقت کے اندر ایک جنت نظیر جگہ ہے اور بہت ہی خوبصورت وادی ہے، کیونکہ ہم بہت سارے علاقوں میں گھومے پھرے ہیں، پنجاب سے لے کر گلگت بلتستان تک اور بلوچستان کے پی کے کوئی بھی ایسے سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نہ گئے ہوں، لیکن یہاں آ کے جو ہمیں دلی کیفیت جو محسوس ہو رہی ہے وہ ہمیں کہیں بھی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ ایک تو علاقے ایسے ہیں کہ جو دل کے اندر عجیب سی ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے، پھر دوسری بات لوگ جو ہیں، لوگ اتنے نرم دل اور اتنے اخلاص والے اور اتنے محبت کرنے والے لوگ تھے کہ ان محبتوں کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے۔ پھر جو ہے نا ان کے جو اکرام اور جو اعزازات انہوں نے ہمیں دی تو ان اعزازات اور ان اکرامات کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے ہیں۔ باقی رہی فیسٹیول کی بات تو فیسٹیول بھی ماشاءاللہ یہ پہلے سال کا پہلا فیسٹیول تھا، اس سے پہلے کوئی پروگرام یہاں مڑو ویلی کے اندر نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے بہت ہی بہترین یہاں پہ جو کھیل اور علاقائی جو ہمارے ثقافتی کھیل تھے بہت احسن طریقے سے یہاں پہ ان ہمارے جوانوں نے پیش کیے۔ ہم بہت پرکھٹن راستے طے کر کے یہاں آئے تھے اور ہم اکثر زندگی شہر میں گزارنے کی وجہ سے ان راستوں کے زیادہ عادی بھی نہیں ہیں، لیکن یقین مانے سیف اللہ بھائی کہ جیسے ہم اس حسین وادی میں پہنچے اور یہاں کی جو ہریالی اور اس گرینری اور اس کارپیٹڈ اس ایریا کو جب ہم نے دیکھا تو ہماری تمام کی تمام تھکاوٹ بالکل چور ہو گئی، مکمل تھکاوٹ ختم ہو گئی، اور یہ صاف و شفاف آب و ہوا اور یہاں کے ہر طرف جو ہے نظر جب دوڑائیں انسان تو یہ سرسبز اور یہ ہریالی یہ دیکھ کے انسان فطری طور پہ بہت مسحور ہو جاتا ہے۔ مڑو فیسٹیول کو کامیاب بنانے کے لیے ضلع کولے پالس کے مختلف اداروں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس تاریخی فیسٹیول میں محکمہ جنگلات اور ورلڈ لائف نظروں سے اوجل رہے۔ فیسٹیول کو رکھنے کا ہمارا مین مقصد تھا اس مڑو ویلو کو جو کہ جنت نظیر وادی ہے، اس کو دنیا تک ہم نے ایکسپلور کرنا ہے، اور انتظامات کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر کولے پالس کوستان کے احکامات کی روشنی میں ہم نے یہ مڑو ویلی میں 5 گیم کا انعقاد کیا ہے، اور اس کے لیے سارے سپورٹس اکوپمنٹ جو ہے شیلڈ وغیرہ کیش پرائزز وغیرہ یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے حوالے ہے۔ باقی میں اپنے ایڈی سی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اپنے کولے پالس کوستان کے یوتھ کا بہت مشکور ہوں، کیونکہ یہ میلے ان کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہم تو صرف فیسلیٹیشن دے سکتے ہیں، باقی اس کو چار چاند لگانے والے یہ لوگ ہیں، اور مستقبل میں بھائی اگر ان کا تعاون رہا تو انشاءاللہ تعالی کولے پالس کوہستان کے ہر وادی میں ہم اس طرح کے بڑے بڑے فیسٹیول کریں گے۔ میں ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر ہوں، یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ کولائی پالس سے۔ اس فیسٹیول میں ہم نے یہاں پہ جن جن نوجوانوں میں اس فیسٹیول کے انعقاد میں دلی انتظامیہ کی اور باقی لینڈ ڈپارٹمنٹس کی مدد کی، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے یہاں پہ یوتھ کنونشن کا انعقاد کیا تاکہ یہاں کے نوجوانوں میں یہ شعور پیدا ہو اور ان کی حوصلہ افزائی ہو کہ آئندہ بھی اس طرح کے فیسٹیول اس علاقے میں ہو سکیں اور یہاں پہ ٹورزم پروموٹ ہو سکے۔ میں سول ڈیفنس آفیسر ہوں، سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے۔ یہاں پہ کیونکہ کافی تعداد یوتھ کی تھی تو ان کو ہم نے سول ڈیفنس کی جو جنرل ٹریننگز ہوتی ہیں جس میں فائر فائٹنگ، فرسٹ ایڈ، اس کے بارے میں ہم نے ان کو ایک اویئرنیس لیکچرز وغیرہ دی، باقی جنرل انسٹرکشنز جو تھی اس کے بارے میں وہ ہم نے ان کو دی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اسپورٹ فیسٹیول تھا، اس میں بھی ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ فلی کوآپریٹ کیا ہے۔ آتش بازی کا زبردست یہاں پہ ہم نے ایک مظاہرہ کیا ہے، اور باقی یہ ہے کہ یہ جو ویلی ہے بڑی خوبصورت ہے، دور دراز علاقہ ہے، لیکن یہاں پہ پہنچ کے بہت اچھا لگا ہے، یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے تھے اور جگہ بھی بڑی خوبصورت ہے۔ ڈاکٹر نور قدیم صاحب کی میڈیکل ٹیم کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ادویات سے لیس گراؤنڈ میں چاقو چوبند تھی۔ تقریباً ہم نے 200-300 مریضوں کو دوائی دی ہے،
इंद्रीज को भी ट्रीट किया हमने। डीएसपी पालस मसूद खान की निगरानी में पुलिस के नौजवान मोड़ो फेस्टिवल में अमनो अमान के सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ड्यूटी पर मामूर थे। बहुत शुक्रिया सैफुल्ला भाई। मोड़ू का जो फेस्टिवल है ये पहली दफ़ा 3 दिन के लिए यहाँ पे ये इसका इनेकाद किया गया है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारे पुलिस की तरफ से इसके लिए फुल प्रूफ जो है वो हमने सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए हैं। इसमें हमारी टीम है, इसमें लीड फोर्सेस आर डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, तो इसके लिए हमने मुकम्मल अपनी वो गश्त भी कर रहे हैं और इधर मौजूद हैं किसी भी वो वाक़े से निपटने के लिए। तो यहाँ ये कोहिस्तान की जो आप आए हैं लोग हैं, ये फेस्टिवल का होना इंशाल्लाह ये आपके तवसत से मीडिया के तवसत से इंशाल्लाह इसकी जितनी भी खूबसूरती है वो लोग देखेंगे कि पाकिस्तान में जो कोहिस्तान है खासकर कुलई पैलेस है इसमें भी ये बड़ी बड़ी खूबसूरत जगह हैं, जिस तरह ये मोड़ू वैली है, लेदी वैली है और इस तरह चोड़ वैली है। जिले इंतजामिया और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के इश्तराक से जानवरों को अदवियात दी गई और वैक्सीनेट किया गया। रंगारंग फेस्टिवल के इख्तिताम पर मुहिब्बे वतन कोहिस्तानियों और अफसरान ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए हुब्बुल वतनी का सबूत पेश किया। इस इलाके के लोगों के लिए अंग्रेज ने क्या खूब कहा था, पुअर पीपल लिविंग इन अ रिच एनवायरमेंट। मोड़ो वैली का शुमार कोहिस्तान की हसीन वादियों में होता है। घने जंगलात, बुलंदो बाला बर्फानी पहाड़, खुले सरसब्जो शादाब मैदान, अगर कमी है तो सिर्फ सड़क की कमी है। सैफुल्ला कोहिस्तानी, मोड़ो वैली, कोहिस्तान टीवी।